नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। और आज मैं लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर्स के कंप्यूटर अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आर बेसिकली सिंपल क्लाइंट सर्वर सिस्टम, इंट्रानेट बेस्ड सिस्टम, फास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम्स या बोथ BNC। तो इसका आंसर होगा बोथ BNC। इंट्राबेस सिस्टम, इंटरनेट मतलब होता है एक पार्टिकुलर नेटवर्क, एक पार्टिकुलर कंपनी या पार्टिकुलर यूनिट के लिए जो उसके अंदर ही काम होगा वो होगा इंटरनेट। और आपको पता है कि फास्ट नेटवर्क रहता है रेलवे के लिए, तो होगा आंसर बी बोथ BNC। आगे देखते हैं, हु डिजाइंड सुपर कंप्यूटर्स इन 1960 एट कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन CDC। तो आपको पता होगा कि द फर्स्ट ऑफिशियल सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था 1960 में वो CDC के द्वारा बनाया गया था, और वो बनाने वाले थे साइमन क्रे। तो इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पिक्चर बता रखा है, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स का कौन सा बेनिफिट नहीं है? देखिए, एवरी टाइम अवेलेबिलिटी, ये बिल्कुल है, हमेशा होता है। कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग कंपेरिजन, बिल्कुल सही बात है, आप कंपेयर कर सकते हैं एक प्रोडक्ट को। इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी ऑफ कस्टमर्स, जी बिल्कुल ये भी है। इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी, जी ये नहीं होता है। रिलायबिलिटी आप ई कॉमर्स साइट पे नहीं पा सकते हैं, तभी आप देखते होंगे कि अमेजन जो प्रचार करता है अपनी दुकान, मतलब अपने पे जो रिलायबिलिटी होती है वो करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो ई कॉमर्स में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस, देखिए IP एड्रेस का जो वर्जन 6 है उसका लेंथ कितना बिट का होता है? तो आपको बताते हैं कि IPv वर्जन 4 का होता है 32 बिट, लेकिन IPv6 का होता है 128 बिट। तो इसका आंसर होगा 128 बिट। आगे बढ़ते हैं, देखिए बस इन कंप्यूटर इज, ये क्या है? आपको पता होगा मदरबोर्ड में जो बसेज रहते हैं एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को कनेक्ट करते हैं जहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो वो क्या है? बेसिकली एक नेटवर्किंग डिवाइस है, बंच ऑफ वायर्स है, अनदर नेम फॉर मदरबोर्ड है, या फिर इंटरनल मेमोरी है। तो आपको बताते चले कि ये बंच ऑफ वायर्स है, अगर आप कभी खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वायर्स है जिसके थ्रू हमारा डेटा फ्लो करता है मदरबोर्ड में। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ सॉफ्टवेयर इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो देखिए ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट, आई थिंक ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहना चाह रहा है तो वो भी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, बट डॉस जो होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ IP एड्रेस इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग। आपको पता होगा IP एड्रेस 5 तरह के होते हैं, A, B, C, D, और एक और होता है वो होता है E। तो आपको पता चले जो ई होता है ये होता है रिसर्च के लिए, ये होता है रिसर्च के लिए, और जो क्लास डी होता है ये होता है मल्टी कास्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा मल्टी कास्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, द मिनिमम फॉन्ट साइज ऑफ अ टेक्स्ट इन MS वर्ड कैन बी। देखिए यही थोड़ा सा इसमें डाउट बच्चों को हो जाता है, वो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कैन बी, शुड बी और कैन बी में फ़र्क है। अगर शुड बी रहता तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज रहता 72 और मिनिमम रहता 8, लेकिन यह बोल रहा है कैन बी, तो हम मैन्युअली उसको कम कर सकते हैं, और वो कम कितना तक कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं 1 तक। तो मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होगा? 1। आगे बढ़ते हैं, यूनिक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, या मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग। तो इसका आंसर होगा ये, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। चलिए आगे, 4.77 मेगाहर्ट्ज़ एंड 10 मेगाहर्ट्ज़ आर द एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? IO स्पीड, इनपुट आउटपुट स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड, कंप्यूटर क्लॉक स्पीड स्पेसिफिकेशन, या फिर डेटा स्टोरेज स्पीड। तो आपको पता चले डेटा ट्रांसफर स्पीड जो होता है वो MBPS में होता है, जी ये जो होगा ये MBPS में होता है, लेकिन ये जो कंप्यूटर क्लॉक स्पीड होता है ये मेगाहर्ट्ज़ में होता है। क्लॉक स्पीड का मतलब ही होता है हर्ट्ज में कंपेयर होता है, और हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड,
यानी कि फर्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉलम ऑफ अ टेबल इज रेफर टू एज द, आपको पता है जो एमएस वर्ड एमएस टेबल एक्सेल में जो टेबल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग एट्रीब्यूट भी कहते हैं जी, एट्रीब्यूट फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द टू टर्म आइडेंटिफाइज अ बूटेबल पार्टीशन, आपको पता होगा जो हम लोग पार्टीशन करते हैं उसमें दो चीज़ होते हैं, एक तो ये चीज़ जो आप देख रहे होंगे फैट और एन टी एफ एस, ये स्टोरेज का डेटा स्टोरेज का एक मतलब तरीका है, समझ लीजिए कि अब जब भी मेमोरी कार्ड को खोलेंगे तो उसमें एफ ए टी और एन टी एफ एस स्टोरेज लिखता है। लेकिन यह बोल रहा है कि बूटेबल पार्टीशन के लिए कौन सा टर्म यूज होता है, तो बूटेबल पार्टीशन के लिए आपका हमेशा यूज होता है प्राइमरी एंड एक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम असाइंस 8 बिट टू अ पिक्सल देन द पिक्सल कैन डिस्प्ले अप टू हाउ मेनी कलर्स, तो देखिए अगर 8 बिट का पिक्सल है तो कितने कलर्स को शो कर सकता है, उसका तरीका है सीधा सीधे आप 2 का पावर 8 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, तो 2 का पावर 8 कर दीजिएगा तो आंसर होगा 256। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव बाय एन एंटीवायरस पैकेज, देखिए एंटीवायरस पैकेज exe फाइल एग्जीक्यूटिव फाइल्स को रिमूव कर सकता है, वर्ड फाइल को भी रिमूव कर सकता है, पीडीएफ फाइल को भी रिमूव कर सकता है, लेकिन स्पैम मेल जी ये रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेल में आपका होता है मेल, तो वो रिमूव नहीं कर सकता, इसका आंसर होगा स्पैम मेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑप्शन फॉर सेंडिंग सेम डॉक्यूमेंट और लेटर एट डिफरेंट एड्रेसेस इज, देखिए इसका ऑप्शन होगा मेल मर्ज। सेम डॉक्यूमेंट को अगर डिफरेंट एड्रेस पे भेजना है तो उस तरीकों को क्या कहा जाता है, मेल मर्ज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द कॉपिंग फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डॉक्यूमेंट इज डन यूजिंग यू ऑप्शन, देखिए एक फॉर्मेट आपने बना लिया टेक्स्ट का, ठीक है एम एस वर्ड एम एस एक्सेल दोनों में यूज होता है, तो एक फॉर्मेट बना लिया, आप चाह रहे हैं उसी को अलग अलग एड्रेस में हम उसी फॉर्मेट को कॉपी करें, तो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे फॉर्मेट पेंटर से। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैक्रोज इन एम एस एक्सेल मे बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, तो आपको पता है कि मैक्रोज क्या होता है, इसका क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है। तो मैक्रोज एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है एम एस एक्सेल में, जिससे कि कोई एक छोटा प्रोग्राम आप बना लिए हैं वो बार बार किसी और टेबल में किसी और फाइल में कॉपी कर सकते हैं, एक शॉर्टकट कीज होता है वो, तो उसका आंसर होता है, आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं। अ मॉडेम इज कनेक्टेड इन बिटवीन टेलीफोन लाइन एंड अ, देखिए इसमें तरीका क्या होता है कि ये आपका एक कंप्यूटर हो गया, ठीक है ये आपका इधर आपका टेलीफोन लाइन हो गया और ये आपका मॉडेम हो गया, तो टेलीफोन लाइन ये हो गया मॉडेम, और यहाँ के बीच में जो बहुत ज़रूरी है वो एक अडैप्टर की ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन अडैप्टर की, जो कि आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन अडैप्टर। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी आईपी इज हाउ मेनी बिट लॉन्ग, जी हाँ तो टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी में जो पोर्ट एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम्स यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, दो सिस्टम जिसका प्रोटोकॉल डिफरेंट है, मान लीजिए एक में टीसीपी आईपी है और एक का एफटीपी है, तो वो चूंकि दोनों का प्रोटोकॉल अलग है तो उसको कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो वो होता है गेटवे। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ कंप्लीट यूआरएल इज नीडेड टू एक्सेस द वेब रिसोर्स, जैसे कोई भी यूआरएल होता है जैसे मान लीजिए www.studyforgovernmentservices.com.org मान लीजिए, तो ये जो उसके पहले भी होता है http/, फिर होगा www.studyforgovernmentservices.com, तो ये http जो हुआ ये हुआ फर्स्ट पार्ट, तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। वैसे भी आप देख सकते हैं http से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल होता है, और लास्ट में जो होता है जैसे कि .org, तो ORG हो गया वो आपका हो गया डोमेन नेम। आगे बढ़ते हैं।
When creating a web document, what format is used to express an image height and width? अच्छा, कोई भी एक इमेज के हाइट एंड विड्थ को क्या दिखाता है इसमें से, सेंटीमीटर्स, पिक्सल, डॉट्स पर इंच या इंचेस? तो आपको पता होगा पिक्सल दिखा दर्शाता है। आप जब भी कोई फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो उसमें डिपेंड करता है कि इतना पिक्सल का आपको लोड करना है इमेज अपना, तो उसमें दिखता है कि 3.5 × 4.5। तो ये 3.5 × 4.5 का मतलब क्या है, 3.5 आपका लेंथ है और 4.5 आपका ब्रेथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the process that contains files to be stored in less space and therefore sent faster over the internet? जी, आप कभी कभी ये करते होंगे कि अगर बहुत बड़ा फाइल है तो उसको कंप्रेस कर देते हैं हम लोग, तो उसका सीधा आंसर है डेटा कंप्रेशन, ताकि वो ईजी से आसान तरीके से हम फाइल को ट्रांसफर कर सकें। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, पसंद किए होंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।